हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम और उनसे जुड़े सभी किस्से जैसे राम रावण युद्ध याद ही होगा। रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन जगह जगह पर रावण के पुतले जो जलाए जाते हैं, तो उसके बारे में तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वो एक दुराचारी व्यक्ति था, इसलिए भगवान राम ने उसका अंत किया। परंतु रावण के जीवन की कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो आज हम आप सभी को अपने इस वीडियो के जरिए विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं रावण के जीवन की छोटी सी मानसिक यात्रा को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। कौन था रावण? रावण कौन था, ये एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक अथाह भंडार था और उसके समान विद्वान पंडित इस पूरे विश्व में ना पहले कभी हुआ था और ना ही आगे कभी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि वो पंडित था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रावण का पूरा परिचय जान लेते हैं। दरअसल रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही साथ बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और न जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहे तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। रावण का जन्म एवं परिवार। यदि बात की जाए रावण के परिवार की, तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक था। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुलत्स्य था। रावण के पिता ऋषि विश्रवा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित है, जो सदैव धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के पड़पोते थे। मुनि विश्रवा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी वरवणिनी और दूसरी पत्नी कैकेसी थी। उनकी पहली पत्नी वरवणिनी एक पुत्र को जन्म दी, जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ, जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ज्यादा सहज स्वभाव का व्यक्ति था। रावण का विवाह। वैसे तो रावण के महल में, रानीवास में हजारों रानियां रहती थी, परंतु उनका पहला विवाह दीति के पुत्र मय, जिनकी कन्या का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी का प्राकट्य हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में यह भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र की, जिसका नाम मंडोर है, वहां की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक मुख्य इंद्रजीत, मदोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर थे। इसके अलावा रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह भीम रावण ने ही कराया। शूर्पणखा के पति का नाम दानवराज विधु था, और जो दानवराज कालका के पुत्र थे। रावण के 10 सिर। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि रावण, जिसे दशानन भी कहा जाता है, उसके 10 सिर हुआ करते थे। परंतु तकनीक लगाकर देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के 10 सिर होना संभव तो नहीं है। ऐसे में रावण भले ही ज्ञानी हो, लेकिन 10 सिर होना उसके भी वश में नहीं था। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, बल्कि भ्रमित रूप से दिखाई देते थे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए बता दें कि दरअसल रावण अपने गले में एक 9 रत्नों की बनी सुंदर माला पहनता था, जिसमें नवरत्न के बड़े बड़े मोती हुआ करते थे। उनकी चमक इतनी ज्यादा तीव्र थी कि प्रत्येक हीरे में रावण का एक अलग सिर नजर आता था, जिसमें से देखने पर रावण का प्रत्यक्ष सिर और 9 अप्रत्यक्ष सिर भी साथ में नजर आते थे, जिसके चलते रावण खुद को दशानन कहलवाना बेहद पसंद करता था और उसके 10 सिरों का भय तीनों लोकों में छाया हुआ था।
ऐसा भी कहा जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जिसके चलते वो अपने एक सिर के कट जाने पर दूसरा स्वतः ही प्रकट कर लिया करता था। रावण का जीवन नाभि में कैसे आया? आपको ये वाक्य तो पता होगा कि किस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया। जी हाँ, जब युद्ध के दौरान भगवान राम रावण को नहीं मार पा रहे थे और लगातार रावण के युद्ध में मैदान में अपनी माया दिखाता जा रहा था, तब भगवान राम को चिंता होने लगी। तो विभीषण आगे आए और उन्होंने कहा कि भगवान रावण के प्राण उसके नाभि में एक अमृत कलश में रखे हुए हैं। यदि आप उसके नाभि पर वार करेंगे तभी रावण की मृत्यु हो पाएगी। पुराण में ऐसा कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा के वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए उनका जीवन कलश उनकी नाभि में स्थित कर दी। इससे रावण अपनी इच्छा अनुसार अजरा अमर तो हो गया, परंतु ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।